मायावती ने पहले आकाश आनंद के खिलाफ लिया एक्शन और अब दिया नया सिलेक्शन। पार्टी में मिली बड़ी जिम्मेदारी, लिस्ट आई सामने तो फिर समर्थक हो गए खुश। आकाश के आक्रामक भाषणों की वजह से उनके खिलाफ हुई थी कार्रवाई, लेकिन उनके भाषण युवाओं को आ रहे थे पसंद। अब मायावती ने भतीजे को फिर बांध दी पगड़ी। नई लिस्ट को देखने के बाद आकाश के विरोधी हो गए मौन। बहन जी की एक चाल ने सबको कर दिया चारों खाने चित। देखिए क्या जिम्मेदारी आकाश को मिली। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद एक उभरता हुआ सितारा है। मायावती के भतीजे आकाश ने जब से सियासत में कदम रखा है तब से उनके चर्चे खूब हो रहे हैं, और लोकसभा चुनाव के दौरान जब उनकी रैलियां शुरू हुई और जो भाषण उन्होंने दिए, युवाओं को वो बहुत पसंद आने लगे और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन एक भाषण की वजह से उनके खिलाफ पार्टी की तरफ से कार्रवाई की गई और उन्हें घर बिठा दिया गया, और जब ऐसा हुआ तो समर्थकों का पारा चढ़ गया। लोकप्रियता को देखते हुए मायावती ने अब भतीजे को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसकी वजह से अब सुर्खियों का दौर जारी है और आकाश के समर्थक बेहद खुश नजर आ रहे हैं। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने जब से अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद और उत्तराधिकारी से हटाया है, तब से आकाश आनंद किसी चुनावी सभा या मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बावजूद इसके बीएसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बाद सबसे ऊपर दिखते हैं। आकाश आनंद भले ही इन दिनों चुनाव प्रचार में दिख रहे हैं, लेकिन बीएसपी के स्टार प्रचारकों में आज भी उनका नाम शामिल है। पार्टी के द्वारा छठे और सातवें चरण के स्टार प्रचारकों की सूची निर्वाचन आयोग को सौंपी है, इस लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है। आकाश आनंद का नाम मायावती के बाद बीएसपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर पार्टी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का नाम है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने 30 अप्रैल को छठे चरण के स्टार प्रचारकों की लिस्ट निर्वाचन आयोग को दी थी और सातवें यानी अंतिम चरण के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट 7 मई को दी थी। चुनाव आयोग को मंजूरी के लिए दी गई थी ये लिस्टें। इन दोनों ही सूचियों में आकाश आनंद का नाम शामिल है। बीएसपी की ओर से छठे और सातवें चरण के चुनाव के लिए चुनाव आयोग को दी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद दूसरे नंबर पर उन्होंने आकाश आनंद का नाम है, लेकिन अब वो कहीं भी चुनाव प्रचार में नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर सतीश चंद्र मिश्रा भी बीएसपी के लिए कहीं चुनाव प्रचार करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। मायावती ने अकेले ही चुनाव प्रचार की कमान संभाली हुई है। वो लगातार एक राज्य से दूसरे राज्य में जनसभाएं कर रही हैं। आकाश आनंद चुनाव के शुरुआती चरणों में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे। उनके आक्रामक भाषण लोगों को पसंद आ रहे थे। कम ही समय में उन्होंने तेजी से लोकप्रियता हासिल भी की थी, लेकिन सीतापुर की रैली में उनके द्वारा दिए गए आपत्तिजनक भाषण के बाद उन पर FIR दर्ज कर ली गई, जिसके बाद मायावती ने उनकी सभी जनसभाओं को रद्द कर दिया और उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने आकाश को अपना उत्तराधिकारी बनाने का फैसला भी वापस ले लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।